हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 29। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त गाड़ी में शांति छाई हुई थी। दिविशा लगातार लक्ष्य को घूरे जा रही थी। इससे परेशान होकर लक्ष्य ने अपने ग्लासेस उतारते हुए उसकी तरफ देख कर पूछा, यूँ घूर क्यों रही हो, जो कहना है कहो ना, और उसकी तरफ देखने लगा। दिविशा ये सुनते ही लक्ष्य की तरफ एकदम से झुकी और उसे घूर कर देखने लगी। ये देख लक्ष्य हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से ब्रेक लगाया, जिस कारण दिविशा सीधे जाकर उसके सीने से लग गई। तभी पीछे से रेडियो में बज रहे गाने के बोल दोनों के कानों में पड़े। सीने से तेरे सर को लगाकर सुनती मैं रहूं नाम अपना। ये सुन लक्ष्य की आंखें बड़ी हो गई और वहीं दिविशा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने और कसकर लक्ष्य को पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम, लक्ष्य ने दिविशा की इस हरकत को देखकर कहा। दिविशा शैतानी भरे अंदाज में बोली, बस अपना नाम सुन रही हूँ। ये सुन लक्ष्य ने दिविशा को उसके दोनों कंधों से पकड़ा और उसे सीधा कर दिया। दिविशा ये देख मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे रे नाम तो सुनने दो मुझे मेरा। ये सुन लक्ष्य भी अपना मुंह बिगाड़ कर बोला, ये फालतू की हरकतें ना थोड़ी कम किया करो तुम। दिविशा एक शरारती मुस्कान देते हुए बोली, क्यों कुछ कुछ होता है क्या तुम्हें, और इतना कह वो अपने दोनों हाथों को बांध कर उसे देखने लगी। लक्ष्य ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, कुछ कुछ का तो पता नहीं, पर अगर ये अजीब हरकतें करके तुम मेरा यूँ ध्यान भटकाती रही तो मेरा स्टीयरिंग से हाथ हट जाएगा और फिर हम दोनों के साथ ही बहुत कुछ हो जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और इतना कह उसने अपनी नज़रें सामने रास्ते पर जमा ली। दिविशा ने हंसते हुए कहा, तो अब मैं तुम्हारा ध्यान भी भटकाने लगी। ओहो चौधरी साहब, कहीं आपको भी हमसे इश्क वाला प्यार तो नहीं हो गया। ये सुन लक्ष्य मन ही मन मुस्कुरा दिया, पर वो मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं आने दी। वो सख्त भाव लिए बोला, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए मिस, आपकी ये सब सोचने की उम्र नहीं है। इस पर दिविशा ने कहा, तो तुम मेरे सवाल का साफ साफ जवाब दे दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, फिर मैं ये सब नहीं सोचूंगी, सो सिंपल। ये सुन लक्ष्य ने कहा, सो स्मार्ट यू आर दिविशा, पर मुझे ना तो इस फालतू सवाल में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम में। और इतना कह उसने रेडियो की आवाज तेज कर दी। दिविशा गुस्से में रेडियो बंद करते हुए बोली, तो फिर आप नमन और मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। ये सुन लक्ष्य बोला, मैं किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। और इतना कह वो रेडियो के बटन को ऑन करने ही जा रहा था कि तभी दिविशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अगर इसको हाथ लगाए ना तो यही हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी, मैं अंधी नहीं हूँ। जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे थे उसके साथ जाने से। और इतना कह वो लक्ष्य को घूरने लगी। लक्ष्य ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, क्योंकि नमन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पसंद तो आपको मैं भी नहीं हूँ, तुम्हारी बात अलग है। लक्ष्य ने जैसे ही ये कहा दिविशा का पारा हाई हो गया और उसने तेज आवाज में कहा, क्यों, कि तभी लक्ष्य ने गाड़ी रोक दी। दिविशा ने जब लक्ष्य की तरफ देखा तो लक्ष्य बाहर झांकते हुए कहता है, स्कूल आ गया तुम्हारा। दिविशा ने अपने कंधे पर बैग टांगते हुए कहा, दिखता है मुझे। ये सुन लक्ष्य ने कहा और दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोला। दिविशा ने उतरते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपको पक्का कुछ कुछ नहीं होता ना। ये सुन लक्ष्य बोला, पागल पागल हो क्या तुम। दिविशा हंसते हुए बाहर निकली और बोली, तुम्हारे पीछे, और इतना कह वो आगे बढ़ गई। तभी वो पीछे मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, अब तो पक्का कुछ कुछ हुआ ही होगा। उसके ऐसा करने से लक्ष्य भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। ये देख दिविशा ने हाथ हिलाते हुए कहा, हो गया, देखा कुछ कुछ हो गया तुम्हें भी। ये सुन लक्ष्य हंसते हुए बोला, अब अंदर जाओ, और उसने भी हाथ हिला दिया।
ये देख दिविशा मुस्कुराती हुई अंदर की तरफ चली गई। आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी तुम मेरी हो मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।